हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में तुर्गुत का किरदार निभाने वाले चंगेज कोस्कन की इस वीडियो को ट्रांसलेट करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंगन अल्तान का ये छोटा सा इंटरव्यू दिखाऊंगी जो कि सीरीज रिलीज होने से पहले का है, जिसमें उनसे पूछा गया कि इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग काफी अरसे तक चली, तो इस दौरान आपकी कास्ट की आपस में इंटरेक्शन कैसी रही। तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान मैं बहुत ज्यादा हंसा हूँ। मैंने बहुत सारी मूवीज और ड्रामों में काम किया है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो हम सबसे ज्यादा इसी मूवी में हंसे हैं और ये हमारे लोगों के लिए बहुत सूटेबल मूवी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी को इतना मिले जितना ये डिजर्व करती है और आई होप ये रिकॉर्ड ब्रेक भी करे। फिर इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा और इसकी सारी सीरीज ही बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होंगी। फिर इनसे पूछा कि क्या इस सीरीज में सिर्फ एक्शन ही है या इसमें फन और जोक्स भी हमें सरप्राइज करेंगे। तो वो हंसते हुए कह रहे हैं कि अब ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये जानने के लिए तो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो वो भी अगर आप सिनेमा में जाके देखेंगे तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये ड्रामा है ही सिनेमा में देखने वाला। तुर्की के प्रेसिडेंट ने अर्तुगरुल की कास्ट के लिए ये स्पेशल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था कि जो इनके फैन इनको देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं, उनके लिए ये खूबसूरत सा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इस फेस्टिवल में इनके फैंस का बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत ज्यादा लोग इस फेस्टिवल में शामिल हुए और अर्तुगरुल की पूरी कास्ट की तरफ से इन सब लोगों ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया कि आप सब लोगों ने हमारे ड्रामे को इतना ज्यादा पसंद किया, हमें इतना प्यार दिया और इतनी मोहब्बत से आप सब लोग हमारे लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इनके फैंस ने इनके साथ पिक्चर्स खिंचवाई, उनसे सवाल जवाब किए, काफी देर तक वो लोग आपस में बातें करते रहे। यहाँ चंगेज कोस्कन इस इवेंट के बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत कम टाइम में किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये इवेंट बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पे सभी लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं और सबने हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने प्रेसिडेंट का थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने स्पेशल हमारे लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, और ये भी यहाँ पे सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप सबने हमें बुलाया, हम यहाँ पे आए, और आप सबका थैंक यू। तुर्की के ड्रामे और मूवीज जो इतनी ज्यादा फेमस हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी कामयाबी की यही वजह है कि तुर्की के प्रेसिडेंट अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अलावा इनके प्रेसिडेंट शूटिंग के दौरान इनको सपोर्ट और इनके प्रमोशन के लिए सेट पर भी आए और वो पूरी कास्ट से हाथ मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से मिले, सबके साथ उन्होंने पिक्चर्स ली और सेट पे काफी ज्यादा टाइम उन्होंने सबके साथ स्पेंड किया और उन्होंने डायरेक्टर के साथ बैठकर काफी देर तक गपशप लगाई और इस लाइव शूटिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय किया और उस दौर के सेट को और उस माहौल को खूब एंजॉय किया। और इस ड्रामे की रिक्वायरमेंट के लिए अक्सर ही ये लोग सेट पर उस जमाने की रेसिपीज के मुताबिक खाने बनाया करते थे और वो खाने उन्होंने प्रेसिडेंट को भी ट्राई करवाए जो कि उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। और इंगिन अल्तान बताते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अपने काम की वजह से इतनी बड़ी और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिलता है। और वो बताते हैं कि ना सिर्फ तुर्की के प्रेसिडेंट बल्कि सेट पे और भी फेमस पर्सनालिटीज हमारा सेट देखने और हमसे मिलने आई, और ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि ये सब लोग हमसे मिलने हमारे सेट पर आए और मुझे उन सब से मिलकर और उनसे बातें करकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और जो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी अर्तुगरुल और हलीमा की लव स्टोरी पे, उसमें जो मैंने सॉन्ग यूज किया है, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप उस सॉन्ग को पसंद कर रहे हैं और बहुत से लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कि वो सॉन्ग किस मूवी का है। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये गाना किसी मूवी का नहीं है, ये सॉन्ग स्पेशली मैंने इस वीडियो के लिए बनवाया था और ये किसी भी फिल्म का नहीं है, और मैं ये सॉन्ग बगैर डायलॉग के भी अपलोड कर दूंगी ताकि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो इसको डाउनलोड कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।